आजमगढ़ में लाखों रुपए की बिजली बिलों की वसूली बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों ने बकाया बिल जमा नहीं किया है। बिजली विभाग ने कमर्शियल उपभोक्ता को 30% राशि जमा करने के बाद भी 28 फरवरी तक पूजा बिल जमा करने की राहत दी थी। वहीं एसडीओ ने बताया कि वसूली के लक्ष्य की 50% राशि भी जमा नहीं हो पाई है। इस वजह से कमर्शियल कनेक्शनों की जांच के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। कमर्शियल दुकानों की डोर नॉक कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को ये बता रहे हैं कि कोविड-19 समाधान योजना चल रही है, जिसमें आप अपने मूल धन का 30% जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा 28 फरवरी से पहले जमा कर सकते हैं। और ये इसका आखिरी दिन चल रहा है, आज और कल ही ये योजना चलेगी। तो हम सबसे यही अपील करेंगे, जितने दुकानदार हैं जिनकी बिल बकाया ज़्यादा है, वो इस माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा कर और सरचार्ज समाधान योजना का फायदा उठाएं, क्योंकि अभी यहाँ पर 50% ही पूरे जितना टारगेट है हमारा वही अचीव कर पाए हैं। तो हम चाहते हैं 100% लोग इसका फायदा उठाएं और सरकार की इस स्कीम